नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP 2024 ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी उत्तराखंड स्टेट से चाहे हो 10th क्लास की बात करें, चाहे हो 12th क्लास की बात करें, चाहे हो 6th क्लास से बात करें जो आपकी एजुकेशन होती है 6 से लेकर 12th तक, इसके अलावा आपके ग्रेजुएशन प्रोग्राम की बात करें, चाहे हो BA हो, BSc हो, BEd हो, आपके BSc नर्सिंग हो, GNM हो, ANM हो, या BTech का कोर्स आप कर रहे हैं, या PG का कोर्स, चाहे वो MA की बात करें, MSc की बात करें, MCOM की बात करें, और साथ ही साथ जो BEd का कोर्स कर रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियोस होने वाली है। वीडियोस को पूरा देखना स्टूडेंट, हर एक पॉइंट में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग कि कौन से स्टूडेंट जो उत्तराखंड की तरफ से जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में आपको जो अमाउंट मिलती है कितनी मिलती है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियोज होने वाली स्टूडेंट, यहाँ पे मैं हर एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स लिस्ट कैसे अप्लाई करना है उसके रिगार्डिंग भी एक डेडिकेटेड वीडियोस आएगी, तो वीडियोस को पूरा देखना स्टूडेंट, आपका ही यहाँ पर बेनिफिट रहने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टूडेंट स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे जो डेट है स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी कैटेगरी ST है, आप क्लास 6 से लेकर 10 तक है, उस कंडीशन में आपको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। अगर आपकी कैटेगरी SC है तो उस कंडीशन में आपको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC स्टूडेंट क्लास 6 से लेकर 10 तक ये स्कॉलरशिप अप्लाई होती है स्टूडेंट। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना स्टूडेंट, अगर आपकी कैटेगरी ST है, क्लास 6 से लेकर 12th है, उस कंडीशन से लेकर 10th में आप पढ़ रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ST स्टूडेंट वाली स्कॉलरशिप यहाँ पे भरनी है। अब ऐसे स्टूडेंट की बात करते हैं जो 10th के बाद है, कहने का मतलब है जो क्लास 11 से लेकर UG का कोर्स कर रहे हैं, PG का कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक हर एक कोर्स यहाँ पे कर रहे हैं, उत्तराखंड स्टेट से कर रहे हैं, और आपका जो डोमिसाइल है उत्तराखंड स्टेट का है, तो सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट ऐसे कैंडिडेट जिनकी कैटेगरी यहाँ पे जनरल है। सबसे पहले मैं उन कैंडिडेट की बात करूंगा जो जनरल या EWS वाले हैं, उन स्टूडेंट को यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर EBC स्टूडेंट, यहाँ पे आपको बता भी देता है स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर EBC स्टूडेंट। अब एलिजिबिलिटी क्या है स्टूडेंट, हर एक कैटेगरी को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ध्यान देने स्टूडेंट जो लास्ट डेट आप तमाम स्टूडेंट के जो भी आप कैटेगरी में जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं आपके लिए आवेदन करने की जो लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2024 तक है स्टूडेंट। सबसे पहले मैं EBC स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी की बात करूंगा, बाकी इसके बाद SC ST OBC कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी की बात करूंगा, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियोस होने वाली स्टूडेंट। यहाँ पे ध्यान देने स्टूडेंट हुई कैंडिडेट EBC स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहेंगे जिनकी एनुअल अमाउंट जो इनकम सर्टिफिकेट रहता है 1 लाख या 1 लाख से कम है, हुई स्टूडेंट EBC स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे उत्तराखंड स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने स्टूडेंट EBC स्कॉलरशिप के अंतर्गत चाहे वो जनरल कैंडिडेट हो या EWS कैंडिडेट हो, यहाँ पे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगता है स्टूडेंट, यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो अगर 1 लाख से कम है देन उस कंडीशन में आप EBC स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। बाकी यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट जो स्टूडेंट SC ST या OBC वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो भी मैं डिस्कस कर लेता स्टूडेंट। सेम यहाँ पे ध्यान देने स्टूडेंट जिन कैंडिडेट की कैटेगरी यहाँ पे SC या ST है, अगर उनके एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम या 2.5 लाख के बराबर है, ऐसी कंडीशन में हो उत्तराखंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप SC कैंडिडेट उत्तराखंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और ST स्टूडेंट के लिए एलिजिबल है। बाकी ऐसे स्टूडेंट जो OBC वाले हैं उन स्टूडेंट की फैमिली इनकम यहाँ पे 1.5 लाख या 1.5 लाख से कम है, उस कंडीशन में हो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो चुका है कौन स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए। एक चीज ध्यान देना स्टूडेंट, अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है देन डेफिनेटली आप ये स्कॉलरशिप यहाँ पे भर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके लिए कंडीशन आपको बता दिया स्टूडेंट एनुअल इनकम अमाउंट आपका कितना होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट 31 अक्टूबर तक आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, लेकिन उस फॉर्म फिल करने में आपको दो चीज का यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट, क्योंकि इस बार आपका OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो रहा है, तो उसके लिए जो मैंडेटरी है आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और जो आपका आधार है वो भी बैंक से सीडेड होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन अगर आप साथ ही साथ इनकम की कंडीशन आप फॉलो करते हैं देन आप यहाँ पे स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। अब कल या परसों के इसके लिए रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियोज आएगी किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है। आई होप ये वीडियोज आप तमाम स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रही होगी। अनदर क्वेरी आपकी है इन फ्यूचर कोई भी अपडेट आप NSP स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग चाहते हैं, और अगर आपने चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।